नारायणी देवराज सिंघानिया को जानती है? कैसे भूल सकती हूँ उस लेडी को। लाइफ में गॉड ऐसे लोगों को बहुत कम मिलाता है। बहुत लोगों को मैंने मौत के आगे रोते गिड़गिड़ाते हुए देखा, मगर ये लेडी दूसरे की जिंदगी के लिए खुद मौत को गले लगाने को तैयार हुई। बस मैंने ऐसी एक ही लेडी को देखा जिसका नाम नारायणी देवराज सिंघानिया है। मैं कभी नहीं भूल सकती उस लेडी को। मैं प्रे करती हूँ उस लेडी के लिए कि वो जहाँ कहीं भी हो खुश रहे। उसने डॉक्टर से कहा मैं मर जाने को तैयार हूँ, प्लीज डॉक्टर मेरे हस्बैंड को बचा लो। एक बार नहीं हजार बार मरूंगी मैं अपने हस्बैंड के लिए, प्लीज डॉक्टर। दादाजी की मौत नहीं हुई थी अनुपमा, दौलत के लालच में आकर दादी जी ने दादाजी को अपने हाथ से मार दिया था। इतनी हिम्मत वाली लेडी थी वो, उसने अपनी किडनी भी दी और उसका हस्बैंड बच भी गया। मुझे अपने पे लगा हर इल्जाम कबूल है, लेकिन ये इल्जाम कबूल नहीं है कि अपने पति का मैंने ही खून किया है। ये गलत है। उसने अपनी किडनी भी दी और उसका हस्बैंड बच भी गया। ये लेडी दूसरे की जिंदगी के लिए खुद मौत को गले लगाने को तैयार हुई। दादी जी ने दादाजी को अपने हाथ से मार दिया था। उसने डॉक्टर से कहा मैं मर जाने को तैयार हूँ, एक बार नहीं हजार बार मरूंगी मैं अपने हस्बैंड के लिए। मुझे अपने पे लगा हर इल्जाम को बोले, पर ये इल्जाम को बोल नहीं है कि मैंने अपने पति का खून कर दिया। नहीं बेटा, कोई औरत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितने भी लालची क्यों ना हो, लेकिन वो अपने सुहाग का खून कभी नहीं कर सकती। सब घर आ गया, कहीं और जाना है? नहीं, घर ही जाना है। पता नहीं अनुपमा सुबह से कहां गायब हो गई है, बिना बताए इतनी देर तक। हेलो। हाँ मैं मीरा बोल रही हूँ। हाँ मीरा बोलो। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे क्यों घबरा रहा है? जिस मीरा से सब डरते हैं आज वो डर रही है, और जिसे मैं तो घबराता हूँ आज वो घबरा रही है। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? यही तो पता नहीं कि सब ठीक है या नहीं। सुबह से अनुपमा गायब है, बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है मीरा? वो घर पे रहती है तो तुम्हें प्रॉब्लम है, वो घर पे नहीं रहती तो तुम्हें प्रॉब्लम है। अरे वो करे तो क्या करे? कैसे समझाऊं मैं आपको, जब ज्यादा देर के लिए आंखों से अनुपमा गायब हो जाती है तो कोई ना कोई नई मुसीबत लेकर आती है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं आज भी कोई मुसीबत ना लेकर आए। अरे तुम खामोखा डर रही हो। देखो मैं तो कहता हूँ अच्छा वो घर से बाहर है, एटलीस्ट वो घर के महाभारत से तो दूर है ना, और मेन मुसीबत तो उसके घर में रहने से। अरे वैसे भी आपने ऐसी डांट लगाई है, वो तो वैसे ही घबरा गई। वैसे तो मैं तुम्हें डांट से कितना डरता हूँ, और वो तो बेचारी कमजोर दिल की है। आपको भी ना हर वक्त मजाक सूझता है। वैसे सही कह रहे हैं आप, घर में रहती है तो हर वक्त मेरे सर में दर्द बना रहता है, बाहर है तो वो भी खुश होगी और मैं। अनुपमा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। क्या बात है भाभी, किसके सर में दर्द है? सिर दर्द? वो हाँ, आज सुबह से ही मेरा सिर दर्द कर रहा था। मैं तुम्हारे कमरे में भी गई थी बाम लेने के लिए, लेकिन तुम थी नहीं कमरे में। कहाँ गई थी तुम? वो मैं मैरीगोल्ड हॉस्पिटल गई थी। मैरीगोल्ड हॉस्पिटल? जी, वो डॉक्टर वर्मा है ना जो कल आए थे,
उन्हीं से माफी मांगने गई थी। आपको बुरा तो नहीं लगा ना भाभी? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? कहीं इसने सच में कुछ देख तो नहीं लिया, या फिर इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? कैसे पूछूं, क्या करूं? आज जो देखा, जो सुना, क्या उसके बारे में पूछूं भाभी से? नहीं, अगर कुछ देखा होता तो मुझसे बात जरूर करती। नहीं, इस वक्त भाभी से कुछ पूछना ठीक नहीं होगा। उन्हें मेरा दादी के मामले में दखल देना पसंद नहीं है। बहुत तकलीफ होती है उन्हें, बहुत भावुक हो उठती है। भाभी आप रुकिए, मैं बाम लेकर आती हूँ। जिस साल पहले वो अपने हस्बैंड को बीमार हालत में हॉस्पिटल में लेके आया, उसका दोनों किडनी खराब हो चुका था। अगर कोई जल्दी उसे किडनी नहीं दे जाता तो उसका बचना इम्पॉसिबल था। फिर ये लेडी जिसका नाम नारायणी है, वो डॉक्टर के पास गया अपने हस्बैंड को किडनी देने के लिए। जिद करने लगे कि मेरी किडनी लो, मेरे हस्बैंड को बचा लो। इतनी हिम्मत वाली लेडी थी वो। उसने डॉक्टर से कहा, मैं मर जाने को तैयार हूँ, प्लीज डॉक्टर मेरे हस्बैंड को बचा लो। एक बार नहीं, हजार बार मरूंगी मैं अपने हस्बैंड के लिए। बस मैंने ऐसी एक ही लेडी को देखा जिसका नाम नारायणी देवराज सिंघानिया है। हेलो जी, मीरा सिंघानिया। एक मिनट होल्ड कीजिए। काका, काका जी। छोटी मैम साहब, भाभी का फोन है, उन्हें फोन दे आइए। मैम साहब, मीरा मैडम तो सो रही हैं, उनके सर में बहुत दर्द है, आप कहें तो। नहीं नहीं, रहने दो। ठीक है मैम साहब जी। वो आराम कर रही हैं, आप थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। हे भगवान, ये किस उलझन में डाल दिया है आपने मुझे। सच तो हमेशा एक ही होता है, फिर दादी की सच्चाई अलग अलग कैसे हो सकती है? जो कुछ भी मैंने आज तक दादी के बारे में सुना है, अगर वो सच है तो फिर मैंने जो कुछ हॉस्पिटल में जाना है वो क्या है? मुझे दादी से मिलना चाहिए, लेकिन अगर भाभी को पता चल गया तो उन्हें इस बात से बहुत तकलीफ होगी, और मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दादी से बात करके मैं ऐसी किसी सच्चाई का पता लगा सकूं जिससे भैया और भाभी भी अनजान हो। मुझे दादी से बात करनी ही होगी। अनुपमा बेटा, बस दादी, आपसे बात करने का मन किया तो ये मैं आपके लिए लाई थी, छील कर देती हूँ। मैं दादी को कितना गलत समझती थी। जो औरत अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी किडनी ले सकती है, वो भला उसकी जान कैसे ले सकती है? इंसान अगर लालची होता है तो वो सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता है, और दादी ने तो अपने शरीर का हिस्सा ही दादाजी को दे दिया, तो फिर क्या हुआ बेटा? तुम इतने उदास क्यों हो? किस परेशानी में हो बेटा? दक्ष से कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं दादी, ऐसी तो कोई बात नहीं। बेटा, अगर कोई बात इतनी परेशान करने लगे कि उसकी चुभन
चेहरे पे साफ दिखाई देने लगे तो उसे दिल से निकाल फेंकना चाहिए किसी से बांट कर। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी परेशानी इस दादी के साथ बांट सकते हो तो मुझसे कह सकते हो बेटा। दादी बोलो बेटा क्या बात है। दादी मैं आज मैरीगोल्ड हॉस्पिटल गई थी। मैरीगोल्ड? जी दादी, और वहां जाकर मुझे पता चला कि उसने अपनी किडनी भी दी और उसका हस्बैंड बच भी गया। ये लेडी दूसरे की जिंदगी के लिए खुद मां को गले लगाने को तैयार हुई। वो लेडी ने खुश होकर इस हॉस्पिटल को 2 करोड़ अमाउंट डोनेट भी किया। मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैंने आपको गलत समझा, आप पर विश्वास नहीं किया, आप पर खुद अपने सुहाग को मिटाने का इल्जाम लगाया। मुझे माफ कर दीजिए दादी। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं। क्या करती, सब मुझे पागल समझते हैं ना, मेरी बात का कोई यकीन ही नहीं करता। तो आप ही बताइए ना दादी, सच्चाई क्या है, क्यों कोई आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्यों आपके अपने ही आपको इतना गलत समझते हैं, जबकि असलियत कुछ और ही है। बताइए दादी, वो कौन सी सच्चाई है जो 20 सालों से आप अपने दिल में छिपाए बैठी हैं? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए बता दीजिए सबको कि सच्चाई क्या है। सच्चाई, आज के जमाने में सच्चाई सिर्फ वो होती है जो आंखों से दिखाई देती है और कानों से सुनाई देती है। अगर मैं लाख बार चिल्ला चिल्ला कर भी कहती कि सच्चाई क्या है तो कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करता बेटा, क्योंकि मैं तो सबकी नजर में पागल हूं ना। आज तुम इन बातों पे सिर्फ इसलिए यकीन कर रही हो क्योंकि सच्चाई तुमने अपनी आंखों से देखी है और कानों से सुनी है। अब मैं अपने मुंह से किसी को कुछ नहीं कहूंगी बेटा, ये सच एक दिन लोग खुद जानेंगे, खुद समझेंगे। लेकिन दादी। नहीं बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने तुझसे वादा किया था कि अब मैं किसी के यकीन को नहीं तोड़ूंगी, किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी। मगर मेरी एक बात का यकीन करना, इस घर के हर कोने में हजारों ऐसी सच्चाई दबी पड़ी है जिन्हें कोई नहीं जानता। तुझे तुझे उन्हें ढूंढ कर दुनिया के सामने लानी है बेटा, इस घर को तबाह होने से बचाना है बेटा, क्योंकि तू ही है बेटा जो इस घर की खुशियां वापस ला सकती है, इस घर को बर्बाद होने से बचा सकती है। देखना, जीत सच्चाई की होगी बेटा, सच्चाई की होगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा,
देखना, जीत तेरी ही होगी, जीत सच्चाई की होगी बेटा। नफरत है, बहुत नफरत है। I'm sorry, इस बारे में हमारे बीच कभी बात नहीं होगी, ओके? जिसके लिए दौलत सब कुछ है, रिश्ते और नाते कोई मायने नहीं रखते, वो और कोई नहीं बल्कि हमारी दादी है। उसने अपनी किडनी भी दी और उसका हस्बैंड बच भी गया। वो लेडी ने खुश होकर इस हॉस्पिटल को 2 करोड़ अमाउंट डोनेट भी किया। अगर मैं लाख बार चिल्ला चिल्ला कर भी कहने की सच्चाई क्या है तो कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करता बेटा, क्योंकि मैं तो सबकी नजर में पागल हूं ना। अरे वाह, बुढ़िया की चहेती तो आज पूजा में लीन है। आज तो खुद साक्षात भगवान ने मेरा रास्ता साफ कर दिया, वरना देखते ही सामने आकर खड़ी हो जाती है। भाभी मैं भी आपके साथ चलूं दादी के पास? दादी बहुत खुश होंगी दोनों बहुओं को साथ देखकर। भगवान जी, जब तक मैं उस बुढ़िया को प्रसाद खिला कर आती हूँ, तब तक आप इसे अपनी ही शरण में रखना। माचिस तो खत्म हो गई, लेकर आती हूं। तो फिर चली आई ये दवाई लेकर, न जाने कब छुटकारा मिलेगा इन दुष्टों से। मीरा एक बात कह देती हूं, मैं ये दवाई नहीं लूंगी। कहा ना, मैं ये दवाई नहीं लूंगी। बहुत फड़फड़ाने लगी है आजकल तू। तेरी इतनी हिम्मत आ गई है कि तू मुझे ना कहे, तू मुझे ना कहे। गुड, वेरी गुड। ये सब मेरी झूठ का नतीजा है कि तू सातवें आसमान में उड़ने लगी अब। और ये चमत्कार अनुपमा के आने की वजह से हुआ है ना? तो ठीक है, तू अब मेरा चमत्कार देखेगी। मीरा का चमत्कार। तूने अनुपमा को अपने पास लाने का जो नाटक खेला है ना, उस खेल को मैं स्टॉप करूंगा। तू देखना, अब तू देखना कि अनुपमा तो क्या, परछाई भी तेरे सामने आने से कांपेगी। नहीं, नहीं लूंगी मैं ये दवाई।
जाओ इसे खा लेना बुढ़ियो। ये दवाई खाने से तुझे थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन मुझे बहुत शांति मिलेगी। नहीं, ले दवा खा ले। नहीं पीऊंगी। तू तो क्या, तेरे फरिश्ते भी पिएंगे। नहीं खाऊंगी मैं। नहीं, 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 नहीं पीऊंगी। नहीं, 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 ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। आपको सारा सच अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए बता देना चाहती हूँ, प्लीज मुझे रोकिए नहीं, क्योंकि अगर मैंने आपको अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करूंगी। क्या ढूंढ रही हो अनुपमा? भाभी वो दादी की दवा का वक्त हो गया था। तुमसे कितनी बार बोला है अनुपमा कि दादी के मामले में तुम मत पड़ा करो। मैं हूँ दादी की देखभाल करने के लिए। मैं कहीं भी जाऊँ दादी की दवाई के वक्त मैं घर आ जाती हूँ।